नैनीताल के उत्तर पूर्व में 18 मील की दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है जो 8000 फीट ऊंची है और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। इस पहाड़ी का पश्चिमी छोर काफी ऊंचा है और इस छोर के पास मुक्तेश्वर वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां भारत के मवेशियों की बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन्स का उत्पादन किया जाता है। प्रयोगशाला और स्टाफ क्वार्टर्स पहाड़ी के उत्तरी भाग पर स्थित हैं। हिमालय की बर्फीली श्रृंखला को देखने के लिए ये स्थान एक सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट है। मुक्तेश्वर में रह चुके लोगों का दावा है कि ये कुमाऊं की सबसे खूबसूरत जगह है और यहाँ का मौसम भी बेहद सुखद है। एक बागिन ने सोचा कि अगर मनुष्य मुक्तेश्वर के क्षेत्र में बस सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। वह मुक्तेश्वर के विशाल जंगलों में रहने लगी जो एक छोटी मानव बस्ती के पास थे। यहाँ पर सांबर, काकड़ और जंगली सुअर का शिकार करके वो बेहद आनंद से रहती थी, जब तक कि उसकी एक पॉक्यूपाइन यानी साही से भयानक मुठभेड़ नहीं हो गई थी। इस मुठभेड़ में उसने अपनी एक आंख गंवा दी थी और उसकी बाह में और आगे के दाहिने पैर के पैड के नीचे लगभग 50 क्विल्स यानी साही के कांटे घुस गए थे जो 1 से 9 इंच लंबे थे। इनमें से कई कांटे एक हड्डी से टकराने के बाद यू के आकार में हो गए थे, जिन्होंने उसके दर्द को दुगना कर दिया था। जहां उसने अपने दांतों से कांटों को निकालने का प्रयास किया, वहां पर और घाव बन गए थे। एक दिन जब वह घास के घने टुकड़े में लेटी हुई थी और अपने घावों को चाट रही थी, तभी एक महिला ने घास के इस विशेष टुकड़े को अपने मवेशियों के लिए चारे के रूप में काटने के लिए चुना। पहले तो बागिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह ठीक उसके पास घास काटते हुए पहुंची जहां वह लेटी हुई थी, तो बागिन ने उस पर हमला कर दिया और महिला की खोपड़ी को एक बार में कुचल दिया। जब अगले दिन उस महिला का शव बरामद हुआ तो उसने एक हाथ से अपनी दारंती पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से घास का एक गुच्छा पकड़ रखा था जिसे वह काटने ही वाली थी। महिला को वहीं छोड़कर बागिन लंगड़ाते हुए 1 मील से ज्यादा की दूरी तय करते हुए उसने एक गिरे हुए पेड़ के नीचे जाकर शरण ले ली। 2 दिन बाद एक आदमी इस गिरे हुए पेड़ से लकड़ी काटने आया और बागिन ने उसे भी मार डाला। उस आदमी ने अपना कोट और शर्ट उतार दिया था, जिस कारण बागिन ने उसकी पीठ पर पंजे मार दिए थे, जिससे उसके शरीर से काफ़ी खून बहा था। जब वह आदमी उस गिरे हुए पेड़ पर जा गिरा था तो बागिन ने उसके शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया था। इंसानी मांस खाने से बागिन को एहसास हुआ कि इंसान उसके लिए अपनी भूख को मिटाने का एक आसान शिकार था। 1 दिन बाद उसने जानबूझकर तीसरे इंसान का शिकार किया और इस बार उसे मारने वाले द्वारा उकसाया नहीं गया था। इसके बाद वह एक स्थापित आदमखोर बन गई थी। मैंने बागिन के बारे में तब सुना जब उसने मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया था। क्योंकि मुक्तेश्वर में कई शिकारी थे, वे सभी उस बागिन का शिकार करने के लिए उत्सुक थे। क्योंकि यह मामला मुक्तेश्वर के लोगों का था, इसलिए मैंने इसका हिस्सा न बनने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति था। बागिन को मुक्तेश्वर के लोगों द्वारा ही मार दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वह लोगों को उनके दरवाजे पर मार रही थी। लेकिन जब बागिन द्वारा मारे गए मनुष्यों की संख्या 24 हो गई थी और बस्ती में रहने वाले सभी लोगों का जीवन खतरे में आ गया था और साथ ही में इंस्टीट्यूट का काम भी धीमा हो गया था, तभी वेटनरी इंस्टीट्यूट के इंचार्ज ने सरकार से मेरी मदद मांगने का अनुरोध किया। जैसा कि मैंने देखा कि मेरा काम आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस तथ्य के अलावा कि आदमखोरों के बारे में मेरा अनुभव बहुत सीमित था, बागिन जिस बड़ी जगह में ऑपरेट कर रही थी उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। एक नौकर और 2 लोगों के साथ जिन्होंने मेरा सामान उठाया हुआ था, मैं दोपहर में नैनीताल से निकला और 10 मील पैदल चलकर रामगढ़ डाक बंगले पहुंचा,
जहां मैंने रात बिताई। डाक बंगले का खान सामा मेरा दोस्त था, और जब उसे पता चला कि मैं आदमखोर को मारने के लिए मुक्तेश्वर जा रहा हूं, तो उसने मुझे मुक्तेश्वर की आखिरी 2 मील की दूरी तय करते समय बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उसने बताया कि हाल ही में सड़क के उस हिस्से पर कई लोग मारे गए थे। अपने लोगों को सामान पैक करने और अपने पीछे आने के लिए छोड़कर मैंने अपनी डबल बैरल्ड 0.500 राइफल को लोड किया और अगली सुबह बहुत जल्दी शुरुआत करते हुए नैनीताल अल्मोड़ा के जंक्शन पर पहुंच गया, जहां से एक सड़क मुक्तेश्वर को भी जाती थी। इस जगह से मुझे सावधानी से गुजरना था, क्योंकि अब मैं आदमखोर के इलाके में था। एक बहुत बड़ी पहाड़ी की ओर टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई करने से पहले सड़क समतल जमीन पर कुछ दूरी तक चली। ये पहली बार था जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा था, और मुझे सड़क के ऊपर सैंडस्टोन की चट्टानों में हवा से खोखली हो चुकी गुफाओं को देखने में बहुत दिलचस्पी थी। मैं मुक्तेश्वर डाकघर पहुंचा, जहां उसके बगल में एक छोटा सा बाजार था। डाकघर उस समय सुबह को नहीं खुला था, लेकिन एक दुकान खुली थी और दुकानदार ने मुझे डाक बंगले जाने का रास्ता बताया। डाक बंगला आधा मील दूर पहाड़ी की उत्तरी दिशा में था। मुक्तेश्वर में 2 डाक बंगले हैं, जिनमें से एक सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित है और दूसरा आम जनता के लिए। मुझे ये नहीं मालूम था, और मेरे दुकानदार मित्र ने गलती से मेरी टोपी के आकार को देख के मुझे एक सरकारी अधिकारी समझा और मुझे गलत डाक बंगले की ओर भेज दिया। बंगले के खानसामा और मैंने इस बात पर चर्चा की कि आम लोगों को यहाँ क्यों नहीं रुकने दिया जाता है। उन्होंने मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया, जिसके बारे में मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में आ सकती थी। जब मैं बर्फीली श्रृंखला के शानदार दृश्य को निहार रहा था और नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा था, तभी 12 यूरोपी लोगों का एक दल सर्विस राइफलों के साथ मेरे पास से गुजरा। कुछ मिनट बाद एक सार्जेंट और 2 आदमी झंडे लेकर मेरे पास से गुजरे। सार्जेंट, एक मिलनसार व्यक्ति ने मुझे सूचित किया कि जो दल अभी अभी गुजरा था वह राइफल रेंज की ओर जा रहा था, और वह आदमखोर के कारण एक साथ चल रहे थे। मुझे सार्जेंट से पता चला कि वेटनरी इंस्टीट्यूट के अधिकारी को पिछले दिन सरकार से एक टेलीग्राम मिला था, जिसमें बताया गया था कि मैं मुक्तेश्वर आ रहा हूं। सार्जेंट ने आशा व्यक्त की कि मैं आदमखोर को गोली मारने में सफल होऊंगा। उन्होंने कहा, बस्ती में हालात बहुत कठिन हो गए थे। दिन के उजाले में भी कोई बाहर नहीं निकलता था, और शाम ढलने के बाद सभी को बंद दरवाजों के पीछे रहना पड़ता था। आदमखोर को गोली मारने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वह कभी भी किल पर नहीं लौटती थी, जहां शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। एक स्वादिष्ट नाश्ते के बाद मैंने खानसामा को कहा कि जब मेरे आदमी आए तो उन्हें बताएं कि मैं आदमखोर की खबर लेने के लिए बाहर गया हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस लौटूंगा। फिर अपनी राइफल उठाकर मैं अपनी माँ को एक टेलीग्राम भेजने के लिए डाकघर गया, ताकि उन्हें बता सकूं कि मैं मुक्तेश्वर सही सलामत पहुंच गया था। डाकघर और बाजार के सामने की जमीन से मुक्तेश्वर पहाड़ी का दक्षिणी हिस्सा काफी खड़ी चढ़ाई वाला था, और घने झाड़ झंखाड़ वाले जंगल और खड्डों से भरा हुआ था। मैं पहाड़ी के किनारे पर खड़ा होकर नीचे घाटी की ओर देख रहा था, तभी पोस्टमास्टर और कई दुकानदार मेरे पास आ गए। पोस्टमास्टर ने पिछले दिन का सरकारी टेलीग्राम पढ़ लिया था, और जो फॉर्म मैंने अभी सौंपा था उस पर मेरे हस्ताक्षर देखकर उसे पता चल गया कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसका उल्लेख टेलीग्राम में किया गया था आदमखोर को मारने के लिए। अब वो और उसके दोस्त मेरी मदद करने आए थे। मैं इस प्रस्ताव से बहुत खुश था, क्योंकि नरभक्षी के बारे में मुझे जानकारी देने के लिए वे सबसे अच्छे लोग थे, क्योंकि आदमखोर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बातचीत का मुख्य विषय था, और बाजार और पोस्ट ऑफिस के आसपास जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते थे तो वे उसके बारे में बात जरूर करते थे, और मेरे लिए ये काफ़ी फायदेमंद था, क्योंकि मैं उनसे जानकारी हासिल कर सकता था। हमारे बाई और पहाड़ी की एक टह में, जो लगभग 2 मील दूर थी, वहाँ मुझे खेती की एक जमीन दिखाई दी।
मुझे बताया गया कि ये बद्री साहा का सेब का बगीचा था। बद्री मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा था। कुछ महीने पहले बद्री मुझसे नैनीताल मिलने आया था और उसने मुझे अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहा था और आदमखोर को मार गिराने के लिए वह मेरी मदद करना चाहता था। ये प्रस्ताव पहले मैंने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति था। अब क्योंकि मैं सरकार के अनुरोध पर मुक्तेश्वर आया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बद्री को बुलाऊंगा और मेरी मदद करने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। खासकर अभी अभी जब मुझे मेरे साथियों ने सूचित किया कि आखिरी मानव हत्या बद्री के बगीचे के नीचे की घाटी में हुई थी। मेरे आसपास मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए और उन्हें बताते हुए कि मैं आगे की जानकारी लेने के लिए उन पर निर्भर रहूंगा, मैं धारी रोड की ओर चल पड़ा। दिन अभी ढला नहीं था और बद्री को बुलाने से पहले मेरे पास पूर्व में पहाड़ी के किनारे कुछ गांवों का दौरा करने के लिए समय था। मैंने लगभग 6 मील की दूरी तय की और 2 गांवों का दौरा किया और फिर मैं वापस लौट आया। वापस लौटते समय मैंने लगभग 3 मील तक अपने कदमों की जांच की क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या बागिन उन कदमों के निशानों पर चली थी या नहीं। उसी समय मैंने एक छोटी लड़की को अपने बैल के साथ परेशानी महसूस करते हुए देखा। लड़की जो लगभग 8 साल की थी चाहती थी कि बैल मुक्तेश्वर की ओर जाए जबकि बैल विपरीत दिशा में जाना चाहता था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो ऐसी स्थिति आ गई थी जब कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा था। बैल एक बूढ़ा जानवर था और लड़की उसके गले में बंधी रस्सी को पकड़कर आगे आगे चल रही थी और मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए पीछे चल रहा था जिससे उसे कोई और परेशानी नहीं हुई। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा, हम कलवा को चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना? मैंने उसे काले बैल को इसी नाम से संबोधित करते हुए सुना। नहीं, उसने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मेरी ओर घुमाते हुए गुस्से में उत्तर दिया। ये किसका है और हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने अगला सवाल पूछा। वह मेरे पिता का है और हम उसे मेरे चाचा के पास ले जा रहे हैं, उसने कहा। फिर मैंने पूछा, और चाचा को कलवा क्यों चाहिए? उसने उत्तर दिया, उनका खेत जोतने के लिए। लेकिन कलवा चाचा का खेत अकेले नहीं जोत सकता है ना? मैंने कहा। मैं उससे बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहा था। मैंने सोचा कि वह सोच रही होगी कि साहब को बैलों और जुताई के बारे में कुछ भी कैसे पता हो सकता है। बेशक मैं इन सभी चीजों के बारे में जानता था। क्या चाचा के पास केवल एक ही बैल है? मैंने अगला सवाल पूछा। हाँ, उनके पास अब एक बैल है, लेकिन पहले उनके पास 2 थे, उसने उत्तर दिया। मैंने पूछा, दूसरा कहाँ है? मैंने ये सोचकर पूछा कि शायद कर्ज चुकाने के लिए उसे बेच न दिया गया हो। कल बाघ ने उसे मार डाला, मुझे बताया गया। जिस खबर को मैं पाना चाहता था आखिर वो मुझे लड़की द्वारा प्राप्त हुई। हम चुपचाप चलते रहे और फिर लड़की ने साहस जुटाते हुए मेरी ओर देखा और कहा, क्या आप बाघ को गोली मारने आए हैं? हाँ, मैं बाघ को गोली मारने आया हूं, मैंने कहा। तो फिर आप बाघ द्वारा किए गए शिकार से दूर क्यों जा रहे हो? लड़की ने कहा। हम कलवा को तुम्हारे चाचा तक सही सलामत पहुंचाने जा रहे हैं। मैं जानता था कि लड़की का चाचा मुझे बाकी की जानकारी दे सकता था उस आदमखोर के बारे में, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता था। क्या तुम नहीं जानती हो कि बाघ एक आदमखोर है? मैंने लड़की से पूछा। हाँ, वो एक आदमखोर है, मैं ये बात जानती हूँ। उसने कुंती के पिता और बौंशी सिंह की माँ को कई अन्य लोगों के साथ मार दिया है। अगर तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें कलवा के साथ अकेले क्यों भेजा? वे खुद क्यों नहीं आए? मैंने पूछा। क्योंकि उन्हें मलेरिया है, उसने कहा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? उसने बताया कि उसका एक भाई था लेकिन वह बहुत साल पहले मर गया था। फिर मैंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो घर पे खाना बना रही है। तो इस छोटी सी लड़की को अपने पिता के बैल को अपने चाचा के पास ले जाने का खतरनाक काम सौंपा गया था, वो भी उस सड़क पर जिस पर लोग अकेले चलने से डरते थे।
और सिर्फ एक बड़े झुंड में चलते थे। और अब तक इन 4 घंटों में मैंने किसी और इंसान को सड़क पर चलते हुए नहीं देखा था। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे तो लड़की ने आवाज लगाई और अपने चाचा को बताया कि वह कलवा को लेकर आ पहुंची है। ठीक है, घर से एक आदमी की आवाज आई, इसे खंबे से बांध दो पुतली और घर जाओ, मैं खाना खा रहा हूं। उस लड़की का नाम पुतली था। हमने कलवा को खंबे से बांध दिया और वापस सड़क पर आ गए। अब कलवा हमारे साथ नहीं था, इसलिए पुतली अब शर्मा रही थी। और क्योंकि वह मेरे साथ नहीं चल रही थी, इसलिए मैं उसकी गति के अनुरूप अपनी गति बनाते हुए आगे बढ़ा। हम कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे और फिर मैंने उससे कहा कि मैं उस बाघ को मारना चाहता हूं जिसने तुम्हारे चाचा के बैल को मार डाला था। क्या तुम मुझे वो मरा हुआ बैल दिखा सकती हो? हाँ, उसने उत्सुकता से कहा, मैं तुम्हें दिखा सकती हूं। क्या तुमने बैल को देखा है? मैंने पूछा। नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है, उसने कहा, लेकिन मैंने चाचा को मेरे पिता को यह बताते हुए सुना है कि वह कहाँ है। क्या यह सड़क के करीब है? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। क्या बैल अकेला था जब वह मारा गया था? मैंने पूछा। नहीं, वो गांव के अन्य मवेशियों के साथ था। क्या यह सुबह या शाम में मारा गया था? मैंने फिर पूछा। इसे सुबह तब मारा गया था जब ये अन्य मवेशियों के साथ चरने जा रहा था, पुतली ने जवाब दिया। लड़की से बात करते समय मैं चारों तरफ नजर रख रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ घना जंगल था और दूसरी ओर घनी झाड़ियां थी। हम लगभग 1 मील आगे बढ़े थे जब हम एक ऐसे ट्रैक पर पहुंचे जिसका उपयोग मवेशी अच्छी तरह से करते थे। यहां लड़की रुकी और बोली कि इसी ट्रैक के बारे में उसके चाचा ने उसके पिता को बताया था जहां बैल को मार दिया गया था। मुझे अब वह सारी जानकारी मिल गई थी जिसकी मुझे जरूरत थी, ताकि मैं मारे गए बैल का पता लगा सकूं। और लड़की को उसके घर तक सुरक्षित जाते देखने के बाद मैं उसी ट्रैक पर लौट आया। यह रास्ता एक घाटी से होकर गुजरता था और मैं इसके साथ लगभग 1/4 मील तक चला था। तभी मेरी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां मवेशियों की भगदड़ मची हुई थी। मैंने उस ट्रैक को छोड़ दिया और घने जंगल में घुस गया। मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे बैल के घसीटे जाने के निशान मिल गए। घसीटे जाने के निशान सीधे घाटी की ओर जा रहे थे और कुछ 100 गज तक इनका पीछा करने के बाद मुझे वो बैल मिला जिसके पिछले हिस्से का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खाया गया था और वह एक नाले के किनारे पड़ा हुआ था। नाले और बैल के बीच एक छोटा सा पेड़ था जिस पर जंगली गुलाब के फूल लगे थे। शिकार स्थल से उचित दूरी के भीतर ये एकमात्र पेड़ था जिस पर मैं बैठकर उस आदमखोर बाघिन पर निशाना लगा सकता था। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और मेरे पास बद्री को मिलने और उसके साथ एक कप चाय पीने का समय था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि उस सुबह 4 बजे रामगढ़ छोड़ने के बाद से मैं काफ़ी पैदल चल चुका था। बद्री के बगीचे को जाने वाली सड़क 1 मील दूर उस मवेशियों के ट्रैक से होके गुजरती थी। जब मैं पहुंचा तो बद्री अपने गेस्ट हाउस के पास एक क्षतिग्रस्त सेब के पेड़ की देखभाल कर रहा था और मेरी यात्रा का कारण सुनने पर वे मुझे गेस्ट हाउस तक ले गया जो बगीचे की तरफ थोड़ी ढलान पर था। जब हम वरांडे में चाय और कुछ खाने के लिए इंतजार कर रहे थे तो मैंने बद्री को बताया कि मैं मुक्तेश्वर क्यों आया हूं और उस बैल के बारे में भी बताया जिसे लड़की ने मुझे दिखाया था। जब मैंने बद्री से पूछा कि बैल की हत्या की सूचना मुक्तेश्वर के शिकारियों को क्यों नहीं दी गई थी, तो उसने कहा कि बाघिन को मारने में शिकारियों की बार बार विफलता के कारण गांव के लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया था और इस कारण अब किसी भी किल की सूचना उन्हें नहीं दी जा रही थी। बद्री ने मुझे बताया कि वह बाघिन को मारने में क्यों असफल रहे। इनके विफल होने का मुख्य कारण इनकी तैयारियों में था। इन तैयारियों में झाड़ियों और छोटे पेड़ों को हटाकर जमीन को साफ करके बड़े मचानों का निर्माण किया गया था जिस पर कई लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, इसलिए जहां भी ये बाघिन बैठती थी वह वहां वापस नहीं आती थी। बद्री को यकीन था कि मुक्तेश्वर जिले में केवल एक ही बाघ था और वह अपने आगे के दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ा है।
लेकिन उसे उसके लंगड़ेपन का राज नहीं पता था, ना ही वह यह जानता था कि वह बाघ नर था या मादा थी। हमारे साथ वरांडे में एक एयरडेल टेरियर कुत्ता बैठा था। तभी कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया और जिस दिशा में कुत्ते का मुंह था उस तरफ हमने देखा कि एक बड़ा लंगूर जमीन पर बैठा है और एक सेब के पेड़ की शाखा को पकड़कर कच्चे फल खा रहा है। तभी बद्री ने अपनी शॉटगन उठाकर लंगूर को डराने के लिए गोली चलाई। लंगूर वहां से पहाड़ी के ऊपर भागा और उसके पीछे वो कुत्ता दौड़ा। मैंने बद्री से कुत्ते को वापस बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि यह कुत्ता हमेशा इस विशेष जानवर का पीछा करता है। उसने कहा कि लंगूरों ने उसके नए पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कुत्ता अब लंगूर पर हावी हो रहा था और जब वह कुछ गज की दूरी पर पहुंच गया तो लंगूर अचानक से घूमा और कुत्ते को उसके कानों से पकड़ लिया और उसके सिर के किनारे उसे जोर से काट लिया। कुत्ते का घाव बहुत गंभीर था और जब तक हमने उस पर ध्यान दिया तब मेरी चाय और गर्म पूरियों की एक प्लेट मेरे सामने पेश की गई। मैंने बद्री को उस पेड़ के बारे में बताया जिस पर मैं बैठना चाहता था और जब मैं बैल के पास जाने लगा तो उसने मेरे साथ आने के लिए जोर दिया और एक मचान बनाने के लिए सामान ले जाने वाले दो लोगों को साथ ले लिया। बद्री और दोनों व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय से आदमखोर के खौफ में रह रहे थे और जब उन्होंने मेरे द्वारा चुने गए पेड़ को देखा तो उन्होंने मुझे उस रात को वहां बैठने से मना किया, ये कहकर कि बाघ शिकार को हटा देगा और मुझे अगली रात को इस जगह से एक बेहतर जगह मिलेगी उसे गोली मारने के लिए। अगर बाघिन आदमखोर ना होती तो मैं खुद भी यही करता जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहता था जो शायद ही दोबारा मिलता मुझे। इसलिए मैंने उसी पेड़ पर बैठने का फैसला किया, भले मुझे अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े। इस जंगल में भालू थे और अगर उनमें से किसी को भी शिकार की गंध आ जाती तो बाघिन पर गोली चलाने की मेरी जो भी आशा थी वह गायब हो जाती, क्योंकि हिमालयन ब्लैक बेयर बाघों से नहीं डरते हैं और उनके शिकार को उनसे चुराने की क्षमता रखते हैं। मेरे लिए उस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था क्योंकि वह पेड़ गुलाब की झाड़ियों से भरा हुआ था जिसमें काफी कांटे थे और जब मैं पूरी तरह से पेड़ पर बैठ गया तो मेरी राइफल मुझे सौंप दी गई और बद्री और उसके आदमी अगली सुबह जल्दी लौटने का वादा करके वहां से चले गए। मैं पहाड़ी की ओर मुंह कर बैठा था और मेरे पीछे नाला था। मैं अच्छे से अपने सामने के दृश्य को देख सकता था और अगर कोई भी जानवर पहाड़ी से नीचे आता तो मुझे साफ दिखाई देता, लेकिन अगर बाघ नीचे से आता जिसकी मुझे उम्मीद थी तो वह मुझे तब तक नहीं देख पाता जब तक कि वह बैल के पास ना पहुंच जाता। बैल जिसका रंग सफेद था मुझसे लगभग 15 फीट की दूरी पर पड़ा था और उसके पांव मेरी तरफ थे। मैंने शाम 4 बजे तक अपनी पोजीशन ले ली थी और लगभग 1 घंटे बाद एक काकड़ भौंकने लगा। बाघिन घूम रही थी और उसको देखकर काकड़ भौंक रहा था। बहुत देर तक वह भौंकता रहा और फिर वह दूर हटने लगा। धीरे धीरे उसका भौंकना शांत हो गया। इससे पता चला कि बाघिन बैल के आसपास कहीं लेट गई थी। मुझे पता था कि बाघिन अब अपनी आंखें और कान खोले हुए कहीं पास में लेटी हुई है ताकि बैल के पास आने से पहले वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके आसपास कोई इंसान तो नहीं थे। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और सब कुछ दिखना बंद हो गया था, लेकिन मैं अभी भी बैल को थोड़ा बहुत देख सकता था। उसी वक्त नाले के सिरे पर एक लकड़ी टूटने की आवाज मुझे सुनाई दी। बाघिन के कदमों की आहट को अपनी ओर आते हुए मैं सुन और महसूस कर सकता था। अचानक से वह आवाज रुक गई। 1-2 मिनट तक सन्नाटा छा गया और फिर बाघिन पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों पर लेट गई। घने बादल छा गए थे और अब अंधेरे ने तारों को अपनी लपेट में ले लिया था। जब बाघ उठकर बैल के पास गया उस समय रात का अंधेरा सबसे ज्यादा भयानक था। मेरी आंखों पर काफी तनाव पड़ रहा था उस काली रात में और मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। हिमालय में विशेष रूप से गर्मियों के दौरान मृत जानवरों के शरीर हॉर्नेट्स, जो कि एक किस्म के कीड़े होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं।
जिसे टाइगर पहले हटाता है और फिर जानवर को खाता है। मुझे अपने शॉट में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि बाघिन मुझे देख नहीं सकती थी जब तक कि मैं किसी तरह की हरकत या आवाज से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना कर लेता। मैं किसी अंधेरी रात में तारों की रोशनी में काफी अच्छी तरह देख सकता हूँ, लेकिन उस रात कोई तारे दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही भारी बादलों में बिजली की चमक थी। बाघिन ने खाना शुरू करने से पहले शिकार को हिलाया नहीं था, इसलिए मुझे पता था कि वह शिकार के दाहिने ओर लेटी हुई है। मुझे यह संदेह था कि यह अंधेरा होने से पहले नहीं आएगी, और मेरा इरादा यह था कि तारों की रोशनी में मैं अपनी राइफल की नोक को दाई ओर घुमाऊंगा और गोली चला दूंगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब जब बादलों ने मेरी आंखों को बेकार कर दिया था, तो मुझे अब अपने कानों पर निर्भर रहना पड़ा। उस समय मेरी सुनने की शक्ति ठीक थी। राइफल उठाते हुए और अपनी कोनियों को अपने घुटनों पर टिकाते हुए मैंने बाघ द्वारा निकाली जा रही आवाज पर सावधानी से निशाना साधा और अपने दाहिने कान को उस दिशा में घुमाया जहां से बाघ की आवाज आ रही थी। मेरा निशाना कुछ ज्यादा ही ऊंचा था, इसलिए बंदूक की नोक को 1 इंच नीचे करके मैंने फिर से अपना सिर घुमाया और आवाजों को सुनने लगा। मैंने ऐसा कई बार किया और खुद को संतुष्ट किया कि मैं उसी ओर निशाना लगा रहा था जहां से आवाजें आ रही थी। मैंने बंदूक की नोक को थोड़ा दाहिने ओर घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही मैंने गोली चलाई, बाघिन 2 छलांग मार के 20 फुट के बैंक पर जा खड़ी हुई। मैंने बाघिन को सूखी पत्तियों पर चलते हुए सुना और फिर सन्नाटा छा गया। इस चुप्पी का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि या तो बाघिन समतल जमीन पर पहुंचते ही मर गई थी, या फिर वह घायल ही नहीं हुई थी। राइफल को अपने कंधे पर रखकर मैं 3-4 मिनट तक ध्यान से आवाजों को सुनता रहा, पर मुझे कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैंने राइफल को अपने कंधों से उतार दिया। जैसे ही मैंने राइफल को अपने कंधे से नीचे उतारा, उसी वक्त मुझे बाघिन द्वारा एक जोर की गुर्राहट सुनाई दी। तो बाघिन घायल नहीं हुई थी और उसने मुझे अब देख लिया था। पेड़ पर मेरी सीट मूल रूप से लगभग 10 फीट ऊंची थी, लेकिन मेरे पास बैठने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था, इसलिए गुलाब की झाड़ी भी मेरे वजन के नीचे अब दब चुकी थी और मैं अब अपने लटकते पैरों के साथ जमीन से केवल 8 फीट ऊपर था। उस समय बाघिन ने मुझे देख लिया था और मुझसे 20 फीट की दूरी पर थी। दिन के उजाले में एक बाघ का आपके आसपास होना, भले ही उसने आपको ना देखा हो, आपकी नसों में गड़बड़ी पैदा कर देता है। हालांकि जब बाघ कोई साधारण नहीं बल्कि एक आदमखोर होता है, और जब रात के 10 बजे हों और आप जानते हैं कि आदमखोर आपको देख रहा है, तो आपकी नसों का खून एक तूफान में तब्दील हो जाता है। मुझे लगता है कि एक बाघ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करता है, सिवाय उकसावे के। जो बाघिन मुझ पर गुर्रा रही थी, उसने पहले से ही शिकार किया हुआ था जो उसकी भूख को 2 से 3 दिन तक संतुष्ट रख सकता था, इसलिए मुझे पता था कि वो मुझ पर हमला नहीं करती। फिर भी मुझे एक बेचैनी महसूस हो रही थी कि इस अवसर पर यह विशेष बाघिन शायद मेरी बात को गलत साबित करते। कई बार गोली लगने के बाद बाघ शिकार पर लौट आते हैं, लेकिन मुझे पता था कि यह ऐसा नहीं करेगी। मैं ये भी जानता था कि अपनी असहज भावना के बावजूद जब तक मैं अपना संतुलन नहीं खोता, तब तक मैं पेड़ पर पूरी तरह सुरक्षित था। मैंने अपना सिगरेट केस निकाला और जैसे ही माचिस जलाई, मैंने टाइग्रेस को किनारे से दूर जाते हुए सुना। अचानक से वह वापस आई और फिर से गुर्राने लगी। मैं 3 सिगरेट पी चुका था और जब बारिश होने लगी तो टाइग्रेस अभी भी मेरे पास थी। पहले कुछ बड़ी बूंदें गिरी और फिर भारी बारिश हुई। उस सुबह जब मैं रामगढ़ से चला तो मैंने हल्के कपड़े पहने थे और कुछ ही मिनटों में मैं भीग गया था, क्योंकि मेरे ऊपर बारिश की बूंदों को रोकने के लिए एक भी पत्ता नहीं था। मैं जानता था कि बारिश शुरू होते ही बाघिन जल्दी से किसी पेड़ के नीचे या चट्टान की ओट में छिप जाएगी। अब हवा चलने लगी और मुझे ठंड लगने लगी थी। सुबह सूरज उगते ही बद्री गरम चाय की केटली लेकर एक आदमी के साथ आ पहुंचा। उन दोनों ने मुझे पेड़ से नीचे उतारने में मदद की, क्योंकि पेड़ पर बैठने से मेरी टांगें अकड़ गई थी।
फिर जैसे ही मैं जमीन पर लेटा और चाय पीने लगा, उन्होंने मेरे पैरों की मालिश की और मेरे पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर किया। जब मैं खड़ा होने लायक हुआ तो बद्री ने अपने आदमी को गेस्ट हाउस में आग जलाने के लिए भेज दिया। मैंने पहले कभी गोली चलाने के लिए अपने कानों का उपयोग नहीं किया था और मैं बागिन के सिर से केवल कुछ इंच से चूक गया था। चाय और सड़क तक आधे मील की पैदल दूरी ने मेरी सारी बेचैनी दूर करती थी, और जब हम बद्री के बगीचे की ओर एक मील लंबे रास्ते पर चलने लगे तो गीले कपड़े और खाली पेट ही मेरी एकमात्र परेशानी थी। जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे वह लाल मिट्टी से ढका हुआ था, जिसे बारिश ने बहुत फिसलन भरा बना दिया था। इस मिट्टी में तीन पैरों के निशान थे। पहले बद्री और उसके आदमी के ऊपर की ओर आते हुए पैरों के निशान, दूसरे उसके आदमी के नीचे की ओर जाने के पैरों के निशान, और जैसे ही हम एक मोड़ के पास पहुंचे हमने पाया कि बागिन दाहिने ओर किनारे से नीचे कूद गई थी और उस रास्ते पर चली गई थी जहां बद्री के आदमी के पैरों के निशान थे। उस आदमी के पैरों के निशान और बागिन के पगमार्क से पता चला कि दोनों तेज गति से चल रहे थे। उस समय बद्री और मैं कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस आदमी ने हमसे 20 मिनट पहले चलना शुरू किया था, और अगर वह बगीचे तक नहीं पहुंचता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था क्योंकि बागिन उसके पीछे थी। बुरे ख्यालों के साथ हम फिसलन भरी जमीन पर जितनी तेज गति से चल सकते थे चले, और हमें यह देखकर बहुत राहत मिली जब हम एक पगडंडी पर पहुंचे जहां से बगीचा और उसमें काम कर रहा वो आदमी दिखाई दिया। लगता है बागिन दूसरी दिशा में चली गई होगी जबकि आदमी बगीचे की ओर बढ़ गया था। बाद में पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे नहीं पता था कि बागिन उसका पीछा कर रही थी। गेस्ट हाउस में आग के सामने अपने कपड़े सुखाते समय मैंने बद्री से उस जंगल के बारे में पूछा जिसमें बागिन अब चली गई थी। बद्री ने कहा कि यह रास्ता नीचे की ओर नाले में जाता है जो घने जंगल में है और जो एक मील आगे जाके एक और नाले से मिलता है। दो नालों के जंक्शन पर एक धारा थी और वहां जमीन का एक खाली टुकड़ा था। बद्री का मानना था कि बागिन उस दिन के लिए उस नाले में आराम करेगी, इसलिए मैंने एक बीट का आयोजन करने के बारे में सोचा, मतलब अपने लोगों को ढोल बजाते हुए जंगल में घुसाने का सोचा ताकि बागिन खुले मैदान की तरफ आ सके। पर इसके लिए हमें काफी लोग चाहिए थे। बद्री ने अपने मुख्य माली गोविंद सिंह को बुलाया और उन्हें हमारी योजना के बारे में बताया। गोविंद सिंह ने कहा कि वह इस काम के लिए 30 आदमी इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ बद्री ने उसे 2 किलोग्राम मटर लाने को भी कहा। बद्री के पास सेब के बगीचे के अलावा एक बड़ा सब्जियों का बगीचा भी था, और पिछली शाम उसे एक टेलीग्राम मिला था जिसमें बताया गया था कि नैनीताल के बाजार में मटर की कीमत उछलकर 4 आने प्रति पाउंड हो गई है। बद्री इस अच्छी कीमत का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था, और उसके आदमी उस रात एक टट्टू द्वारा भेजे जाने वाले मटर इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन्हें अगली सुबह नैनीताल पहुंचाया जा सके। अपनी राइफल साफ करने और बगीचे में घूमने के बाद मैं बद्री के साथ सुबह नाश्ते के लिए जुड़ा, और दोपहर के समय गोविंद ने अपने 30 लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मटरों को नैनीताल भेजे जाने की योजना की निगरानी करना महत्वपूर्ण था और वहां किसी का रहना भी जरूरी था, इसलिए बद्री ने रुकने का फैसला किया और गोविंद को मेरे साथ बीट को आयोजित करने के लिए भेज दिया। गोविंद और वे 30 आदमी स्थानीय निवासी थे, और एक आदमखोर उनके साथ क्या कर सकता था इससे वे अच्छे से वाकिफ थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे क्या करवाना चाहता हूं तो उन्होंने मेरे निर्देशों का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। गोविंद को अपने लोगों को 2 दलों में विभाजित करना था। उसे एक पार्टी का प्रभार स्वयं लेना था और दूसरे का प्रभारी एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त करना था। 1 घंटे के अंदर बद्री को एक गोली चलानी थी और दोनों दलों को आगे बढ़ना था। एक एक करके नाले के दोनों ओर चट्टानों के नीचे से चिल्लाते हुए और तालियां बजाते हुए जाना था। यह सब इतना सरल लग रहा था, लेकिन मुझे संदेह था क्योंकि मैंने कई बीट्स को गलत होते हुए देखा है। जिस रास्ते से मैं उस सुबह आया था, उस रास्ते से ऊपर जाते हुए मैंने उस रास्ते का अनुसरण किया
जिस पर बागिन चली थी, और थोड़ी दूर जाने के बाद पाया कि वह घनी झाड़ियों में छिप गई थी। चलते समय मैं सोच रहा था कि वह खुला मैदान कहाँ है जहां मुझे अपनी पोजीशन लेनी थी। मैंने अपने आस पास मक्खियों को भिनभिनाते हुए सुना और आवाज का पीछा करने पर मुझे एक गाय के अवशेष मिले जो लगभग एक सप्ताह पहले मारी गई थी। जानवर के गले पर निशान से पता चला कि उसे बागिन ने मार डाला था। बागिन ने गाय के कंधे, गर्दन और सिर के एक हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ खा लिया था। बिना किसी विशेष कारण के मैंने शव को किनारे तक खींच लिया और उसे पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया। लगभग 100 गज तक लुढ़कने के बाद शव धारा से थोड़ी दूर पर जा रुका। बाई ओर घूमने पर मुझे उस खोखले स्थान जिसमें मैंने गाय के अवशेषों को ढकेला था, वहां से लगभग 300 गज की दूरी पर एक जमीन का खुला टुकड़ा दिखाई दिया। यहां का मैदान जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अलग था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से मैं पहाड़ी की ढलानों को देखने के लिए खड़ा हो सकता था, जहां बीटर्स को आना था। हालांकि तब तक कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बद्री ने गोली चला दी थी जो मुझे सावधान करने के लिए थी कि बीट शुरू हो गई है। तभी कुछ दूरी पर मैंने लोगों को चिल्लाते हुए सुना। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि बीट मेरी ओर आ रही थी, और फिर आवाजें फीकी होती गई जब तक कि वह समाप्त ना हो गई। एक घंटे बाद मैंने फिर से पीटने वालों की आवाजें सुनी। वह मेरी दाहिनी ओर पहाड़ी से नीचे आ रहे थे, और जब वह मेरे साथ एक स्तर पर थे तो मैंने उन्हें बीट रोकने और रिच पर मेरे साथ आने के लिए चिल्लाया। ये किसी की गलती नहीं थी कि बीट ने ठीक से काम नहीं किया था, क्योंकि बिना जमीन को जाने और बिना किसी तैयारी के हमने मुट्ठी भर लोगों के साथ एक विशाल क्षेत्र में बीट को आयोजित करने की कोशिश की थी। बीटर्स को घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता निकालने में बहुत कठिनाई हुई थी। वे एक झुंड में बैठे अपने हाथों और पैरों से कांटे निकाल रहे थे और मेरी सिगरेट पी रहे थे। गोविंद और मैं एक दूसरे के सामने खड़े होकर कल एक नई बीट को आयोजित करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें मुक्तेश्वर और आसपास के गांवों का प्रत्येक उपलब्ध व्यक्ति भाग लेता। एक वाक्य के बीच में अचानक गोविंद ने बात करना बंद कर दिया। मैं देख सकता था कि किसी असामान्य चीज ने मेरे पीछे उसका ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि उसकी आंखें सुकुड़ गई और उसके चेहरे पर अविश्वसनीयता का भाव छा गया था। घूमते हुए मैंने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वह देख रहा था, और वहां चुपचाप एक खेत के किनारे बागिन को चलते हुए देखा। वह नदी के दूसरी ओर पहाड़ी पर लगभग 400 गज की दूरी पर थी और हमारी ओर आ रही थी। जब जंगल में कोई बाघ आपके पास आ रहा हो, भले ही आप मानव बस्तियों से दूर हों, तो आपके दिमाग में ऐसी कई चीजों के बारे में विचार आते हैं जो आपके शॉट या फोटो लेने की संभावना को खराब कर सकते हैं। बागिन हमारी ओर आ रही थी, इसलिए मैं उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, और मैंने आज तक किसी भी बागिन को इतनी धीमी गति से चलते हुए नहीं देखा था। वह मुक्तेश्वर के लोगों के बीच लंगड़ी बागिन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन मैं उसके लंगड़े होने का कोई संकेत नहीं देख सकता था। जब मैं उसे देख रहा था तो मेरे दिमाग में जो योजना बन रही थी वह ये थी कि उसके घने जंगल में प्रवेश करने तक मुझे इंतजार करना होगा, और फिर आगे दौड़ के उसके धारा पार करने से पहले या बाद में मुझे उस पर गोली चलानी होगी। यदि मेरे और बागिन जिस ओर वो जा रही थी उसके बीच पर्याप्त कवर होता तो मैं उसे देखते ही आगे बढ़ जाता और खुले मैदान में उस पर गोली चलाने की कोशिश करता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी गतिविधियों को छुपाने के लिए पर्याप्त आवरण नहीं था, इसलिए मुझे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक बागिन खुले मैदान और जलधारा के बीच की झाड़ियों में प्रवेश नहीं कर गई थी। अपने लोगों से ये कहते हुए कि मेरे लौटने तक ना तो वो हिले और ना ही आवाज करें, मैं भागने लगा क्योंकि बागिन मेरी नजरों से ओझल हो गई थी। मैं एक बड़ी जंगली गुलाब की झाड़ी के पास आ पहुंचा जो पहाड़ी के ऊपर और नीचे कई गज तक फैली हुई थी। झाड़ियों के बीच एक सुरंग थी, और जैसे ही मैं नीचे झुका उसमें से दौड़ने के लिए तो मेरी टोपी नीचे गिर गई, और सुरंग के अंत में जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया तो मेरे सिर में कई कांटे चुभ गए थे। इन जंगली गुलाबों के कांटे
घुमावदार और बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए घर पहुंचने पर मेरी बहन मैगी को उन्हें निकालने में कठिनाई हुई। मेरे चेहरे से खून की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी और मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां मैंने पहाड़ी के ऊपर से खाए हुए शिकार को नीचे ढकेला था। ये शिकार एक गड्ढे में पड़ा था जो लगभग 40 गज लंबा और 30 गज चौड़ा था। जैसे ही मैं गड्ढे के किनारे पर पहुंचा और झांक कर देखा तो मुझे एक हड्डी की चटकने की आवाज सुनाई दी। बाघिन मुझसे पहले वहां पहुंच गई थी और पुराने शिकार को पाकर उस भोजन की भरपाई करने की कोशिश कर रही थी जिसे वह पिछली रात को खाना चाहती थी। यदि उस शिकार को छोड़ने के बाद, जिस पर बहुत कम मांस था, बाघिन खुले मैदान में आती तो मैं उस पर गोली चलाता, लेकिन यदि वह पहाड़ी पर या दूर किनारे पर जाती तो मैं उसे नहीं देख पाता। घनी झाड़ियों के बीच से मैं बाघिन की आवाज़ सुन सकता था। तभी मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। इधर उधर देखने पर मैंने पाया कि गोविंद मेरी टोपी हाथ में लिए मेरे पीछे खड़ा था। उस समय भारत में कोई भी यूरोपी टोपी के बिना बाहर नहीं घूमता था और गोविंद ने गुलाब की झाड़ी के पास मेरी टोपी को गिरा हुआ पाया और वह उसे वापस ले आया। हमारे पास की पहाड़ी पर एक गड्ढा था। मैंने अपने होठों पर उंगली रख कर गोविंद को वहां से पकड़ा और उसे गड्ढे में बिठा दिया। घुटनों के बल बैठा मेरी टोपी को गले लगाते हुए वह उस गड्ढे में फिट हो गया था और एक दयनीय वस्तु की तरह लग रहा था, क्योंकि वह कुछ गज की दूरी पर बाघिन को हड्डियां चटकाते हुए सुन सकता था। जैसे ही मैं सीधा हुआ और किनारे पर अपनी पोजीशन रीगेन करी, तभी बाघिन ने खाना बंद कर दिया। या तो उसने मुझे देख लिया था, जिसकी अधिक संभावना थी, या फिर उसने अपने शिकार को छोड़ दिया था क्योंकि वह काफी पुराना हो चुका था। बहुत देर तक कोई हलचल या आवाज नहीं हुई और फिर मेरी नजर बाघिन पर पड़ी। वह सामने किनारे पर चढ़ गई थी और अब उसके ऊपर की पहाड़ी की ओर जा रही थी। मेरे सामने 6 इंच मोटे चिनार के कई पौधे थे और जब वह उनके बीच से गुजर रही थी तो मैं केवल बाघिन की रूपरेखा को ही देख सकता था। इस आशा के साथ कि मेरी गोली पौधों के बीच से होकर निकल जाएगी और बाघिन को ढूंढ लेगी, मैंने तेजी से गोली चला दी। मेरे शॉट पर बाघिन इधर उधर उछली और मेरी तरफ को आने लगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी गोली उसके सिर के पास एक पौधे में जा लगी थी और वह एक आंख से अंधी भी थी। एक घायल और बहुत क्रोधित बाघिन सीधा मेरी ओर आ रही थी, इसलिए जब तक वह 2 गज की दूरी पर नहीं आई तब तक मैंने इंतजार किया। फिर मैं आगे की ओर झुका और राइफल की बची हुई गोली को उसके गर्दन और कंधे के बीच में उतार दिया। 0.500 राइफल की गोली के प्रभाव ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि वह 50 फुट नीचे धारा में जा गिरी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैंने किनारे पर देखा तो बाघिन नीचे पड़ी हुई थी। वह अपने पैरों को हवा में रखते हुए एक तालाब में डूब चुकी थी। उस तालाब के पानी का रंग अब उसके खून से लाल हो गया था। गोविंद अभी भी गड्ढे में बैठा था और मेरे संकेत दिए जाने पर वह मेरे पास आ गया। बाघिन को देखते ही वह पीछे मुड़ा और पहाड़ी पर मौजूद लोगों की तरफ चिल्लाया कि बाघ मर गया है, बाघ मर गया है। अब पहाड़ी पर मौजूद 30 आदमी चिल्लाने लगे और बद्री ने उन्हें सुनकर अपने बगीचे से अपनी बंदूक पकड़ ली थी और खुशी के मारे उसने 10 राउंड हवा में फायर किए। इन गोलियों की आवाज़ मुक्तेश्वर और आसपास के गांव में सुनाई दी गई और चारों ओर से लोग धारा की ओर अब जाने लगे थे। गाँव वालों ने बाघिन को तालाब से बाहर निकाला और उसे बद्री के बगीचे में ले जाने की तैयारियां की। यहां उसे सबके देखने के लिए भूसे के बिस्तर पर लिटा दिया गया, जबकि मैं एक कप चाय पीने के लिए गेस्ट हाउस में वापस चला गया था। 1 घंटे बाद हाथ की लालटेन की रोशनी में और आसपास खड़े लोगों की एक बड़ी भीड़ के साथ, जिनमें मुक्तेश्वर से कई शिकारी भी थे, मैंने बाघिन की खाल को उसके जिस्म से उतारा। तब मुझे पता चला कि वह एक आंख से अंधी थी और लगभग 50 साही के कांटे, जो लंबाई में 1 से 9 इंच लंबे थे, उसकी बाह में और उसके आगे के दाहिने पैर के पैड के नीचे घुसे हुए थे। रात 10 बजे तक मेरा काम खत्म हो गया था और बद्री के साथ रात बिताने का बहुत ही दयालु निमंत्रण ठुकराते हुए मैं उन लोगों के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया जो मुक्तेश्वर से नीचे आए थे, जिनमें खाल ले जाने वाले मेरे 2 आदमी भी थे। डाकघर के सामने खुले मैदान में
मैंने पोस्टमास्टर और उसके दोस्तों के देखने के लिए बागिन की खाल को जमीन पर बिछा दिया। आधी रात को मैं कुछ घंटों की नींद के लिए जनता के लिए आरक्षित डाक बंगले में जा लेट गया। 4 घंटे बाद मैं उठा और दोपहर तक मैं अपने घर नैनीताल पहुंच गया था। मैं पूरे 72 घंटों से गायब था। एक आदमखोर को गोली मारने से संतुष्टि का एहसास होता है, ऐसा काम करने पर संतुष्टि जिसे करने की सख्त जरूरत थी, और सबसे बड़ी संतुष्टि एक बहादुर छोटी लड़की के चलने के लिए पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को सुरक्षित बनाने में है दोस्तों। तो ये थी मुक्तेश्वर मैनिटर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ दोस्तों सिर्फ वापस आने के लिए।